सो फ्रेंड्स, हम हैं फर्स्ट लांसर ईदगाह ग्राउंड पर, जहां सिराज ने अपने क्रिकेट की शुरुआत करी थी। यहीं पर उन्होंने अपनी पेस बॉलिंग की शुरुआत करी थी। इन्हीं क्रिकेटर्स के साथ ये जो खेल रहे हैं, इनमें से कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जैसे आप देख सकते हैं, विकेट कीपर जो विकेट कीपिंग कर रहे हैं, इनके साथ खेले हैं, और बहुत सारे जो उनके पुराने फ्रेंड्स हैं, सारे के सारे जो यहाँ मेरी बात हो रही है लोकल से, वो कह रहे हैं इन सब लोगों के साथ उन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त क्रिकेट खेला है, यहीं से शुरुआत की है, और यहाँ से खेलते हुए वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने पहुँचे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत की होगी उन्होंने, कितनी स्ट्रगल की होगी टू रीच दैट लेवल। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि अब वो लेवल पे पहुंचकर अगर वो वर्ल्ड कप खेलते हैं इंडिया के लिए, तो अपने आप में एक वो नया मीन्स नई चीज़ कायम करेंगे, क्योंकि 99 के बाद से हैदराबाद का कोई भी प्लेयर इंडिया को ODI वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट नहीं कर पाया है। मोहम्मद अजरुद्दीन वॉज द लास्ट गाय टू प्ले फॉर इंडिया इन एन ODI वर्ल्ड कप। उसके बाद हालांकि 2003 में वीवीएस लक्ष्मण वॉज इन कॉन्टेंशन, लेकिन उनको टीम में लिया नहीं गया था, क्योंकि उस टाइम टीम को ज़रूरत थी एक ऑलराउंडर की, और दिनेश मुंगिया ने वो जगह ले ली थी। अम्बाती राइडू वॉज देयर इन द 15 मेंबर स्क्वाड इन 2015, ही डिडंट गेट अ गेम। 2019 में भी उनको मौका नहीं मिला। तो इस रीज़न से सिराज 99 के बाद पहले क्रिकेटर होंगे, हैदराबाद क्रिकेटर, जो इंडिया को ODI वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करेंगे। और वो जो अचीवमेंट है, वो अचीवमेंट और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हम देखते हैं कि कैसे उनकी शुरुआत हुई थी। इस ग्राउंड से विदाउट एनी फैसिलिटीज़ यहाँ से उन्होंने अपनी पेस बॉलिंग की शुरुआत करी थी। और जो मेरे उनके दोस्त हैं यहाँ पर, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने भी यही बताया है कि ऐसी ही शुरुआत करी थी और हमेशा से ही वो पेस बॉलिंग करना चाहते थे, और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, पेस बॉलिंग पे उन्होंने फोकस किया, और यहीं से वो इंडिया के लिए वो सब किया उन्होंने, आज जो इंडिया के लिए काम आ रहा है। बाकी सब बातों से पहले मैं आपको मिलाना चाहूँगा मोहम्मद रफीक साहब से। ये ओनर हैं जिनके यहाँ सिराज के वालिद साहब, उनके फादर किराएदार की तरह रहें 4 साल। रफीक साहब जी, थोड़ा सा बताइए ना, कैसे आए थे सिराज यहाँ पर, कैसे खेल की शुरुआत हुई, फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए जितना आप जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उनके सिराज साहब के वालिद साहब बहुत ही अच्छे आदमी थे। सिराज साहब तो यहाँ ग्राउंड में खेलते थे और बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, खेलने के लिए बहुत ही मेहनत करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत सपोर्ट लोगों ने भी किया है यहाँ पर, और उनके भाई का भी बहुत ही अच्छा किरदार रोल था, और सबसे ज़्यादा उनके वालदा की बहुत ही मेहनत है। ओके। इतनी मेहनत है मैं बता नहीं सकता कि माँ बाप की दुआ बहुत है उनको जी। जितना सिराज साहब की वो कहते हैं ना, माँ बाप की दुआ लग जाए तो आदमी कामयाबी कहाँ से कहाँ चले जाता है जी। ज़्यादातर उनके वालदा की इतनी मेहनत है मैं बता नहीं सकता, और इतने अच्छे हमको भी किराएदार मिले कि ज़िंदगी भर याददाश्त रहेंगे हमारे। इतने अच्छे आदमी थे उनके वालदा और वालिद। और अलहमदिल्ला सिराज की भी जो कभी ऐसा कोई चीज़ के बारे में शिकायत का मौका नहीं, दोनों भाई भी अलहमदिल्ला मकानदार के वैसा ही रहने वाले, वो भी लोग हमारे उतना अच्छा देखने वाले आदमी थे। तो रफीक साहब, आप यहाँ हैं और जब भी कोई मैच होता होगा या सिराज कोई एक अचीवमेंट होता होगा उसका बड़ा, कोई वो कुछ करता होगा, तो लोग ऑब्वियसली, जैसे मैं आया हूँ, लोग आते होंगे, आपसे मिलते होंगे, आप भी उसके बारे में बातें बताते हैं, लेकिन इन पीरियड में जब वो यहाँ से छोड़ के गए, कभी ऐसा हुआ कि आप उसके टच में आए, कभी उसने आपसे रابطہ कायम किया हो, बातचीत हुई हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं जब भी बुलाया जी, मेरे बच्चों की शादी फंक्शन में बराबर आए हैं और उनके कुछ फंक्शन में हैं, तो हमारे को बगैर छोड़े के काम नहीं करते हैं। वालदा उनके बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करते हैं हम लोगों, तो मतलब वो रिश्ता अभी तक बिल्कुल अभी भी कायम है, बिल्कुल कहते हैं डाउन टू अर्थ, ज़मीन से जुड़े हुए लोग वो हैं। बिल्कुल अलहमदिल्ला आज भी दोनों भाइयाँ भी और मोहम्मद सिराज भी बहुत ही अच्छी तरह से मिलते हैं हमारे लोगों से। तो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में मोहम्मद सिराज की फैमिली रहा करती थी किराए से, और हम आपको वो घर भी दिखाएंगे जहां उनकी फैमिली रहती थी।
सो ये घर है जहाँ पर मोहम्मद सिराज अपने फादर और भाई और मदर के साथ रहा करते थे, और रफ़ीक साहब आपको बताएंगे वो यहाँ कब आए थे, कितने साल वो यहाँ रहे, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि कितना रेंट पे करते थे। जी रफ़ीक साहब थोड़ा सा बताइए ना, कब आए थे सिराज? ये 2012 में आए थे उन्होंने। आपने उसी टाइम बनवाया था? 2012 में मैं मकान बनाया था G+2 ये। जी उसी टाइम फर्स्ट मकान में नया ओपन करे तो उन्हें फर्स्ट कदम रखे समझो जी हमारे मकान में। जी उस टाइम मेरे को 6000 किराया देते थे। ओके समझे ना। उसके बाद 2012 से उनकी लक्की मैन चलते रहा, 2016 तक रहे यहाँ। IPL का जैसा मैच पॉपुलर हो गए, दूसरी जगह मकान खरीद लिए। तो रफीक भाई अगर घर की बात करें तो कितना बड़ा घर है ये, जहाँ चार लोग थे, चार मेंबर्स थे सिराज की फैमिली में जो रहा करते थे? इसमें 1 बेडरूम 1 हॉल, किचन लैट्रिन बाथरूम जो सब सेपरेट है। ओके आराम से उनकी खुश फैमिली रहती थी। ओके और जैसे रफ़ीक भाई ने आपको बताया ही है कि वो अभी तक रफ़ीक भाई के टच में हैं, चाहे इनके यहाँ शादी हो चाहे उनके यहाँ शादी हो, कोई भी शादी फंक्शन में बराबर एक दूसरे को इनविटेशन आता है।